छात्राओं नमस्कार आज के हिंदी तासिका में आप सभी छात्राओं का स्वागत है छात्राओं पिछले कुछ तासिकाओं से हम अनुराग पांडे जी का रेडियो जॉकी इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें युवक प्रगल्भ लेखक अनुराग जी से साक्षात्कार के माध्यम से रेडियो जॉकी की जानकारी ले रहा है हमने देखा ने अनुराग जी से रेडियो जॉकी यानी को अपनी भाषा पर किस तरह प्रभुत्व होना चाहिए तथा सामाजिक जागरूकता फैलाने हेतु आरजे किस तरह अपनी भूमिका निभाता है जिसमें पर्यावरण पोलियो जल साक्षरता बाल मजदूरी दहेज कन्या साक्षरता किसान और खेती का महत्व व्यसन मतदान आदि विषयों को देखा छात्राओं हमने यह भी देखा कि एक आरजे को तकनीकी के संदर्भ में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर नए नए ऐप्स नई नई मशीनें इसके बारे में अनुराग जी ने बताया छात्राओं आज रेडियो जॉकी इस पाठ में अथवा यह पाठ आखरी पाठ होगा उस पाठ की यह आखिरी है जिसमें हम रेडियो जॉकी के कार्य पर चर्चा करेंगे रेडियो जॉकी को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं यह हम देखेंगे जिसमें प्रसारण के पूर्व और प्रसारण के दौरान इन दोनों प्रकार के कार्यों का आज रेडियो जॉकी इस पाठ की यह आखिरी तासिका होगी जिसमें हम रेडियो जॉकी के कार्य पर चर्चा करेंगे जिसमें प्रसारण के पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य और प्रसारण के समय अथवा प्रसारण के दौरान के कार्य क्या क्या होते हैं यह हम देखेंगे तो पहले हम रेडियो जॉकी के कार्य क्या होते हैं यह देखेंगे तो रेडियो जॉकी को कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना होता है तथा टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करनी होती है दो गीतों के बीच कड़ी का कार्य रेडियो जॉकी अथवा आरजे को करना पड़ता है श्रोताओं से संवाद करना पड़ता है साक्षात्कार लेना पड़ता है मेहमानों अतिथियों का परिचय भी आरजे को करना पड़ता है तो यह तो रेडियो जॉकी के कार्य है लेकिन प्रसारण के पूर्व के क्या कार्य होते हैं यह हम अब देखेंगे प्रसारण के पूर्व रेडियो जॉकी को कौन से कार्य करने पड़ते हैं यह अब देखते हैं विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना अब यह कार्य रेडियो जॉकी अथवा आरजे को करना पड़ता है कि एकाध विषय पर चर्चा करनी है संवाद अथवा साक्षात्कार लेना है तो उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उस आरजे को इकट्ठा करनी पड़ती है और उस पर उसे चिंतन करना पड़ता है यह कार्य प्रसारण के पूर्व का है जो तैयारी के रूप में एक आरजे को करना पड़ता है दूसरा कार्य है तकनीकी समूह और निर्मित समूह सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना यानी कि जो टेक्नोलॉजी की जो टीम रहती है और जो प्रोडक्शन की जो टीम रहती है उन सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना का काम भी रेडियो जॉकी को करना पड़ता है ताकि सभी की दृष्टि से यह कार्यक्रम अच्छा हो और सफल हो इसके लिए तालमेल की जरूरत होती है आरजे टेक्नोलॉजी की टीम तथा प्रोडक्शन टीम इन सभी के बीच तालमेल होना जरूरी है इसलिए यह कार्य भी आरजे को करना पड़ता है उसके बाद का कार्य है कार्यक्रमों की योजना बनाना अथवा पूर्वाभ्यास करना कार्यक्रम कौन कौन से होने चाहिए किस तरह के होने चाहिए कितने समय के होने चाहिए कार्यक्रम के विषय क्या होने चाहिए यह एक योजना जिसे हम प्लानिंग कहते हैं वह कार्य भी रेडियो जॉकी अथवा आरजे को करना पड़ता है इसकी तैयारी अथवा इसका अभ्यास रेडियो जॉकी को करना पड़ता है पटकथा लिखना और उसे याद करना अब स्टोरी हम जिसे कहते हैं वह स्टोरी अथवा कहानी पटकथा आरजे को लिखनी पड़ती है और उसे जब प्रसारण करते हैं उस वक्त याद भी करना पड़ा यानी कि उसे वह कंटेस्ट भी करना पड़ता है यानी कि ये दो प्रकार के काम वहां पर आरजे को करना पड़ता है पहला पटकथा लिखना और दूसरा उसे याद करना सब कार्य जो है वह प्रसारण के पूर्व के है यानी कि प्रत्यक्ष अभी प्रसारण को शुरुआत नहीं हुई है यह पहले की तैयारी जो हम जिसे कहते हैं यह तैयारी उसे करनी पड़ती है अब प्रसारण के दौरान क्या क्या कार्य आरजे को करने पड़ते हैं यह हम देखेंगे अब प्रसारण के माध्यम से उस समय एक आरजे को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं यह हम देखेंगे पहला कार्य है कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय कराना अब कार्यक्रम का प्लानिंग तो हुआ है योजना तो हुई है अब उस उसे अब परिचय कराना है तथा उन कार्यक्रमों की जानकारी देनी है क्या क्या कार्यक्रम आज दिन भर में होने वाले हैं इसकी जानकारी आरजे को देनी पड़ती है स्टूडियो में आए अतिथियों को अतिथियों से साक्षात्कार करना अब नए नए अतिथि हर रोज स्टूडियो में आते हैं तो उन अतिथियों से साक्षात्कार लेना पड़ता है अथवा उनसे संवाद करना बातचीत करनी पड़ती है तो यह कार्य भी प्रसारण के समय अच्छी तरह से आरजे को करने पड़ते हैं गीत बजाना जिसे हम हेलो फरमाइश वगैरह कहते हैं लोगों की मन की इच्छाओं के, के अनुरूप गीत बजाने पड़ते हैं जो लोग फरमाइश बताते हैं उस फरमाइश को गीतों के माध्यम से पूरा करना पड़ता है संक्षेप में समाचार सुनाना अब रेडियो अथवा एफएम जैसे चैनलों पर समाचार न्यूज भी सुनाना पड़ता है जिसमें ट्रैफिक का हाल मौसम की जानकारी महत्वपूर्ण घटनाएं ब्रेकिंग न्यूज आदि समाचार है वह बताने पड़ते हैं और वह भी संक्षेप में यह प्रसारण के दौरान ही प्रसारण के समय भी यह करना पड़ता है फिल्मों की समीक्षा करना अगर एक आध सप्ताह में एक आध नई फिल्म आई हुई है और उस फिल्म पर चर्चा कर, कर वह फिल्म कितनी अच्छी है कितनी बुरी है उसकी समीक्षा आलोचना करनी पड़ती है उस फिल्म के बारे में उस फिल्म को लेकर संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना श्रोताओं से बातचीत भी करनी पड़ती है जरूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत कविता या किस्सा सुन कभी कभी जरूरत पड़ने पर तुरंत एकाद कोई गीत कविता या किस्सा सुनाना पड़ता है यह भी प्रसारण के दौरान ही प्रसारण के समय ही करना पड़ता है निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना प्रतिक्रिया देना कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी देना समस्या आने पर तुरंत उसे संभालना अब यह कार्य भी एक आर्ज को प्रसारण के दौरान करना पड़ता है कि समय के अनुरूप ही कार्यक्रम चलाना जो निहित समय दिया हुआ है उस समय के अनुरूप ही कार्यक्रम चलाना पड़ता है प्रतिक्रिया देनी पड़ती है कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी भी उसे देनी पड़ती है अगर किसी कारण कोई कार्यक्रम में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जानकारी बदलाव हो रहा है तो उसकी जानकारी देनी पड़ती है समस्या आने पर तुरंत उसे संभलना अगर बीच में कोई समस्या आ जाती है चाहे फिर वो तकनीकी हो या अन्य कोई समस्या हो तो उस समस्या को भी संभालना उसे पड़ता है तो यह सब कार्य प्रसारण के दौरान उस आर्जे को करने पड़ते हैं छात्राओं यह तो अब हमने आरजे को कार्य को देखा जिसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं एक प्रसारण के पूर्व और एक प्रसारण के समय अथवा प्रसारण के दौरान इस प्रकार यह पाठ यहां पर समाप्त होता है छात्राओं आप सभी के जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो संस्था है जिसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट इस संस्था का भी एक रेडियो चैनल है जिसका नाम है शारदा कृषि वाहिनी अब इस चैनल के माध्यम से कृषि जगत के बारे में किसानों में जागरूकता फैलाना चर्चाओं का आयोजन करना गीत सुनाना मौसम की जानकारी देना साक्षात्कार लेना आदि कार्यक्रमों का हर रोज प्रसारण किया जाता है छात्राओं जब प्रत्यक्ष महाविद्यालय शुरू होगा इस रेडियो चैनल को हम सभी लोग भेज देंगे तथा वहां चल रहे कार्यक्रम को देखेंगे भी छात्राओं अगर आप में से कोई आरजे बनना चाहते हो तो आपको हमारे संस्था के शारदा रेडियो चैनल पर आरजे बनकर एक दिन का पूरे कार्यक्रम चलाने का मौका दिया जाएगा तथा गीत गायन नाटिका कविता कहानी सुनाना के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा तो छात्राओं इस प्रकार हमने अनुराग पांडे जी का रेडियो जॉकी इस पाठ का अध्ययन किया इस पाठ से संबंधित नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे वह नोट्स आप अपनी काफी में लिख लीजिए छात्राओं अगली तासिका में मिलते हैं नए पाठ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद